तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका कक्षा 9वीं का पेपर है जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय का है। इसके लिए आपको पूर्णांक 75 अंकों का पूरा पेपर होगा और आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं की त्रैमासिक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाने वाला है। तो देखो ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, आप सब लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना कि क्या क्या इसमें कहा गया है। आप निर्देश जैसे पढ़ोगे उसके नीचे देखो आपका ये इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपके पेपर के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का, पूर्णांक आपका पूरा का पूरा 75 अंकों का होने वाला है। अब देखो इस प्रकार का पूरा पेपर है। अब चलो सबसे पहले हम इसमें से सही विकल्पों को देखते हैं। देखो सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो देखो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो देखो लुई सोलवा का शासन था फ्रांस पर। ये देख लें, एक स्थली भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। उसके बाद में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो देखो इसको कहते हैं महेंद्रगिरी। यहाँ से देख लें इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो देखो बीज जो है ना स्थायी पूंजी नहीं है, जबकि मशीन औजार और जनरेटर ये स्थायी पूंजी है, बीज स्थायी पूंजी नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना नगद रुपया। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना इसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, हम रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन में मिला, कब मिला? 21 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद में 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, यहाँ पर आपका नेपोलियन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को हुई थी। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके अलावा कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यहाँ पर आपको कर्क रेखा लिख देना है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? मन्नार की। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? चिल्का झील। तो इस प्रकार से आप लोग इनको लिख लें और पूरा का पूरा इनको कंप्लीट कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। A to Z सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना इसमें यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो देखो ये ऑर्डर था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 के द्वारा ऐसा किया गया था, तो यहाँ से आप लोग देख लें। पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए, तो देखो उस कस्बे का नाम है शाहपुर, यहाँ से आप लोग देख लें। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो देखो 1960 के दशक, यहाँ पर आपको लिख देना है 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। वैसे 1966 यहाँ पर लिखा है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। उसके अलावा अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो देखो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, रूस का अंतिम जार कौन था? तो देखो रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय, क्या लिखोगे यहाँ पर? निकोलस द्वितीय यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखो उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है, यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। अब इसके बाद में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो यहाँ तक के एक वाक्य वाले उत्तर सभी के सभी मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। और प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से मैंने आपको समस्त विषय के पेपर बता दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवाए हैं। तो यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना इसमें आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है यहाँ से समझ लीजिएगा। जोड़ी में आपका पहला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो देखो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा? कनाडा।
पहला सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, टाइल की जोड़ी किससे मिल जाएगी? सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। उसके अलावा टाइट की जोड़ी किससे मिल जाएगी? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। तो यहाँ से आप लोग देख लें। उसके अलावा कार्ल मार्क्स की जोड़ी किससे मिलेगी? दास कैपिटल से। जैसलमेर की जोड़ी राष्ट्रीय जनसंसद से। चीन की जोड़ी मिल जाएगी बरकान से। अधिक उपज देने वाले बीज HYB बीज इनको कहते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन, मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट में विभाजित था, ये भी आपका सत्य होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया, ये भी आपका सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में हिमालय है, ये असत्य होगा क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन, चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लो। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या था? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उसके अलावा लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, कोऑपरेटिव क्या है? खूनी रविवार की घटना क्या है? भाबर क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? उसके अलावा बेरोजगारी शब्द का आशय स्पष्ट आपको करना है। संविधान से क्या आशय है? लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष आपको बताने हैं। पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं आपको बतानी है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? 1789 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? फ्रांस में दास की प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? उसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिखकर जरूर आ सकें। इसके अलावा यहाँ से देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 22 लिखा है, बांगर और खादर भूमि में अंतर आपको बताना है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, लिखिए, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और इनको समझ भी ले। सभी के सभी जो मैं पेपर में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप स्वयं इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इसको कम्प्लीट कर लें, जिससे कि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में इस वीडियो पर अगर आप लोग नए हो, पहली बार हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े हो, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।